toxic time. Circle the things that cause water pollution. Circle the things that cause water pollution. Means all the pictures given here. यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं, उसमें से हमें जो चीज से वाटर पॉल्यूशन होता है उसको हमें सर्कल करना है. दिस इज सन. सन से वाटर पॉल्यूशन होता है? नो, वाटर तो क्लीन रहता है. देन ग्लास ऑफ जूस. जूस का ग्लास है अगर, तो वो आप पानी में डालोगे तो इससे क्या वाटर पॉल्यूशन होता है? नो. देन टिन बॉटल. टिन ऐसी बॉटल होती है ना, जार जैसी बॉटल, अगर ये आप वाटर में थ्रो करोगे तो क्या ये वाटर में मेल्ट हो जाएगी? नो, ये वाटर में मेल्ट नहीं होती है ना, इससे वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, इसलिए इसके ऊपर हम सर्कल करेंगे. दिस इज स्टीमर. शिप. शिप. शिप से वाटर डर्टी होता है? नो. टिश्यू पेपर. टिश्यू पेपर. पेपर अगर आप पानी में डालोगे तो वो पानी में मेल्ट हो जाएगा या तो वाटर को पॉल्यूट करेगा, ये मेल्ट हो जाएगा. टर्टल. टर्टल. टोटोइस. टोटोइस से वाटर पॉल्यूट होता है? नो. फिश. दिस इज फिश. फिश से वाटर पॉल्यूशन होता है? नो, वो तो वाटर को क्लीन रखते हैं. प्लास्टिक बॉटल्स. प्लास्टिक बॉटल्स. अगर ऐसी आप कहीं पे पिकनिक पे गए हो और ऐसी प्लास्टिक बॉटल्स हो वो पानी में थ्रो कर दो तो क्या वाटर पॉल्यूट होगा? यस, ये थोड़े ही पानी में मेल्ट होती है ना. सो वी हैव टू सर्कल दिस प्लास्टिक बॉटल. बर्ड्स. बर्ड है. बर्ड अगर पानी पिएगा हाँ रिवर में से सी से तो क्या पानी पॉल्यूट होगा? नो. देन पेपर बैग. पेपर बैग अगर वाटर में डालोगे आप तो क्या उससे पार्ट वाटर डर्टी होता है? नो. देन डॉल्फिन. फिश. फिश से होता है वाटर पॉल्यूट? नो. टिन. दिस इज टिन. टिन बॉटल. इससे वाटर पॉल्यूट होता है, वो पानी में कभी नहीं पिघलती. देन प्लास्टिक बैग. दिस वन इज पॉलीथीन बैग. पॉलीथीन बैग अगर पानी में डालोगे तो उससे वाटर पॉल्यूट होगा या क्लीन होगा? वाटर पॉल्यूट होगा इससे. तो सो वी हैव टू सर्कल ऑन दिस पिक्चर्स. ओके, रीड इट. Color the pictures and write the words. Color the pictures and write the words. Read it. Color the pictures ending in IP. IP वाले में हमें color करना है. Okay? जो pictures का प्रोनाउंस IP से होता है, जो ending में IP होता है उसमें हमें कलर करना है. ठीक है, यू कैन पुट योर फेवरेट कलर्स. आप इसमें आपके फेवरेट कलर्स कर सकते हो, है ना. नाउ विच पिक्चर इज दिस? रेड. आर ए टी. रेड. रेड के एंडिंग में आई पी आया? नो. सो वी कैन पुट कलर इन दिस पिक्चर. स्टार. स्टार. स्टार के स्पेलिंग में आई पी आया? नो. सो वी कैन नॉट पुट द कलर इन दिस पिक्चर. जिप. जिप.
जेड आई पी जिप, जिप में आई पी प्रोनाउंस हुआ एंडिंग में, यस। सो वी हैव टू पुट द कलर्स इन दिस पिक्चर। जो पिक्चर्स के एंडिंग में आई पी होता है उसमें हमें कलर करना है ना। नेक्स्ट, पेंसिल, विच पिक्चर इज दिस पेंसिल, बट इन दिस पेंसिल देयर इज अ पॉइंटेड पार्ट, एरो करके आपको पॉइंटेड पार्ट दिखाया है, दिस इज कॉल्ड टिप, दिस इज कॉल्ड टिप, टिप ऑफ द पेंसिल। सो वी कैन पुट द कलर इन दिस पिक्चर, तो हम ये पिक्चर्स में कलर कर सकते हैं, है ना। टी आई पी टिप, इन टू पिक्चर्स वी हैव टू कलर इट। अगेन नेक्स्ट, रीड इट, राइट योर फेवरेट वर्ड एंडिंग इन आई पी, राइट योर फेवरेट वर्ड। आपको आपका फेवरेट वर्ड लिखना है जिसके एंडिंग में आई पी होता है, ओके। नाउ से द एनी वर्ड ऑफ एंडिंग इन आई पी, कोई भी एक वर्ड बताओ कि जिसमें आई पी होता है। कैन यू से, क्या आप बता सकते हो? यस, लिप, एल आई पी लिप, एल आई पी लिप। नेक्स्ट पार्ट इज कलर द पिक्चर एंडिंग इन आई एन, वो पिक्चर्स में कलर करना है जिसमें आई एन होता है, ओके। यस, दिस वन इज कैट, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कैट? सी ए टी, कैट। कैट के स्पेलिंग एंडिंग में आई एन आया, नो। दिस वन इज डस्टबिन, दिस इज डस्टबिन। डस्टबिन के स्पेलिंग में आई एन होता है, यस। सो वी हैव टू पुट द कलर इन दिस पिक्चर, तो हम ये पिक्चर में कलर करेंगे आई एन इन। जो पिक्चर्स के एंडिंग में आई एन इन होता है वो पिक्चर्स में हमें कलर करना है, वी हैव टू पुट द कलर्स इन एंडिंग आई एन, ओके। देन फिश, दिस वन इज फिश, बट एरो करके उसके फिंस दिखाए है, क्या दिखाए है? फिंस, इट्स अ कॉल्ड फिंस, इसको क्या बताएंगे? फिंस। सो वी हैव टू पुट द कलर इन दिस फिश ऑल्सो, तो हम ये फिश के पिक्चर्स में भी कलर कर सकते हैं, है ना। यस, वी हैव टू पुट द कलर इन दिस फिन ऑल्सो। जो पिक्चर्स के एंडिंग में आई एन होता है उसमें हमें कलर से कंप्लीट करना है। देन दिस वन इज पिन, क्या है ये? पिन, पिन के स्पेलिंग में आई एन हुआ, यस। सो वी हैव टू पुट द कलर इन दिस पिक्चर ऑल्सो, तो हम ये पिक्चर्स में भी कलर करेंगे ना। पी आई एन पिन, पी आई एन पिन। जो पिक्चर्स के एंडिंग में आई एन होता है उसमें हमें कलर करना है। नेक्स्ट, रीड इट, राइट योर फेवरेट वर्ड एंडिंग इन आई एन। आपको आपका फेवरेट वर्ड लिखना है जिसके एंड में आई एन होता है, है ना। यस, कैन यू सी द स्पेलिंग ऑफ आई एन वर्ड? यस, टी आई एन टिन, टी आई एन टिन, ओके। दिस वे यू हैव टू डू दिस वर्कशीट। किड्स, इट्स अ हिंदी टाइम, टुडे वी विल डू इन हिंदी अम।
which letter we will do? Am. Am se angur. Am se angur. Now you can do in this worksheet. आप अगर ये बुक में करना है, which picture is this? अंगूर. आम से अंगूर. सीखो फीके अक्षरों को गाढ़ा करो और लिखो. मीन्स यहाँ पर जो लाइट लेटर्स है उसको हमें डार्क करना है और लिखना है. आम से अंगूर. आम से अंगूर. अ है उसके ऊपर अनुस्वार. नो देन वी विल राइट, हम इसको क्या बताएंगे? आम. आम से अंगूर. जो लेटर्स लाइट दिए है उसको हमें डार्क करने है और बोलकर लिखना है. आम से अंगूर. आम से अंगूर. आम से अंजीर. आप जब विंटर होती है तब आप खाते हो ना अंजीर? यस. आम से अंजीर. आम से अंक. अंक मीन्स नंबर्स. नंबर्स को हिंदी में क्या बताएंगे? अंक. नंबर्स यानी कि अंक. आम से अंगूर. अंगूर यानी कि ग्रेप्स. आम से अंगूर. आम से अंक. आम से अंजन. आम से अंगूर. दिस वे यू हैव टू डू इट. अ एंड अ वुड डोट ऑन दिस हेड. आम से अंगूर. आम से अंगूर. ऐसे ही आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है. आम से अंगूर. आम से अंजीर. आम से अंजीर. आम से अंक. अंक यानी कि नंबर्स. आम से अंगूर. आम से अंगूर. अंगूर यानी कि ग्रेप्स. रीड इट. रंग भरो मीन्स वी हैव टू कलर द लेटर्स एंड इन पिक्चर्स. हमें लेटर्स में भी कलर करना है. ये सब लेटर्स है उसमें हमें कलर्स फिलअप करना है और ये पिक्चर्स में भी हमें कलर पिक्चर करना है. आम से अंगूर. नो अंगूर यानी कि ग्रेप्स. अंगूर यानी कि ग्रेप्स. डू यू लाइक द ग्रेप्स ना? यस. देन रीड इट. आम के नीचे रेखा खींचो. वी हैव टू अंडरलाइन द लेटर आम. रीड इट. अंक. अंस. अंजीर. अंजन. अंगद. दिस वे वी हैव टू कंप्लीट द लेटर्स.